हाई फ्रेंड्स टूडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ ओवरीज इन इंडोक्राइम सिस्टम सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरीज है उनका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे सो so, uh, ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल गोनोट्स होती हैं एंड ओवरीज पेयर्ड होती हैं यानि कि नंबर में टू होती हैं और पेयर्ड होती हैं यानी कि दो नंबर में होती हैं जो कि यूटर्स की ई साइड प्रजेंट होती हैं यूट्रस इया यू कैन सी यूट्रस यूट्रस के ईस्ट साइड जो होती हैं ओवरीज प्रजेंट होती हैं नेक्स्ट इज़ ये पैलविक कैबिटी में प्रजेंट होती हैं अपर पैल्विक कैबिटी में नेक्स्ट इज़ द ओवरीज आर आलमोंड ओ ओवरीज का जो सेप होता है फ्रेंड्स वो आलमोंड आलमोंडसेप का होता है एंड ओवरीज की जो लेंथ होती है वो टू पॉइंट फाइव टू से थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होता है एंड जो बाइट होती है ओवरी की वो टू सेंटीमीटर होती है एंड थिकनेस आ, ओवरी की वन सेंटीमीटर होती है ओवरीज जो होती है फ्रेंड्स वो बहुत आ, आ, कुछ डिफरेंट हारमोन्स को सिक्रीट करती है सच रिलैक्सिन रिलैक्सिंग हेविन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोग हारमोन को सिक्रीट करती है ओवरीज नंबर में टू होती हैं राइट एंड लेफ्ट जो कि हेयरसी यूट्रस यूट्रेस की इधर साइड प्रजेंट होती हैं ओवरीज नंबर में ट्रू होती हैं ना वी विल जिसका सब आउट ऑफ ओवरीज हैज टू लेर्स ऑफ टिश्यूज जो ओवरीज होती हैं वो टू लेयर ऑफ टिश्यूज से मिल करके बनी होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेड्यूला एंड सेकेंड इज कार्टेक्स सो फ्रेंड्स जो मेड्यूला होता है मेडूला हेयरगेंसी सेंट्र पार्ट ऑफ द ओवरी मेड्यूलो जो होता है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी होता है इनमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं एंड मोस्ट इम्पॉटेंट कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है एंड जो कॉर्टेक्स होती है वो आउटर लेयर ऑफ द ओवरी होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई होती है जिसे हम स्ट्रोमा भी कहते हैं फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि जो कॉर्टेक्स होता है कॉर्टेक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं सो फ्रेंड्स ये कॉर्टेक्स जो होती है वो आउटर सराउंड होता है ओवरीज के एंड कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन जो भी ओवम है जो भी एग या वो साइड बोलते हैं या ओवा बोल सकते हैं या फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं या फॉलिकल्स भी तो इन ये सब जो है कॉर्टेक्स में ही मैच्योर होते हैं यानी कि ओवा जो है वो कॉर्टेक्स में ही मैच्योर होता है तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स का मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है नेक्स्ट इज़ जो ओवरीज होती है फ्रेंड्स इनमें डिफरेंट डिफ्रेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं जो कि ये कंसिस्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनल एपिथीलियम ट्यूनिकैलवीनिया स्टोमा ओवरिन फॉलिक्यूल ग्राफिन फॉलिक्यूल कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंटरस्थीसियल सेल्स सो इनके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में सो so, जो इनके लेयर्स होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनल एपिथीलियम फ्रेंड्स जो जर्मिनल एपिथीलियम है इसको जर्मिनल एपिथीलियम क्यों इसको नाम क्यों दिया है जर्मिनल एपिथीलियम बिकॉज जो भी एक्स ओवा ओसाइट फीमेल गैमेट्स इनको जम्स सेल्स भी कहते हैं जो ओवा होता है इनको जम्स सेल्स भी कहते हैं ऐसे ही जो मेल्स में स्पर्म होते हैं उनको भी जर्म सेल कहते हैं सो जर्मिनल एपिथीलियम ने जर्म सेल्स को कवर किया होता है जर्मिनल एपिथीलियम जो होती हैं वो जर्म सेल्स को कवर किए हुए होती हैं इसलिए इसे जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं नेक्स्ट इस फ्रेंड्स जो मीजो मीजोवेरियम होता है यू कैन से मीज़ोवेरियम मीजोवेरियम सो फ्रेंड्स जो मीज़ोबीरियम होता है ये क्या होता है कि जो हमारा ओवरीज है वो लिगामेंट से अटैच रहता है ओवरीज जो होती है वो लिगामेंट से अटैच होती है तो ओवरी लिगामेंट ओवरीज को यूट्रस से अटैच करता है ठीक है ओवरीज लिगामेंट ओवरीज को यूट्रस से अटैच करता है एंड ब्रॉड लिगामेंट ओवरीज के साथ अटैच होता है जहाँ पर अटैच होता है उस पोर्शन को कहते हैं फ्रेंड्स मीजोवेरियम यानी कि ओवरी जहाँ पे अटैच होता है उस पोर्शन को कहते हैं मीजो सो ब्रॉड लिगामेंट बैक साइड से ओवरी से अटैच रहता है उस पोर्शन को कहते हैं मीजोवेरियम सो फ्रेंड्स अब हम लोग ये जो है जो लेयर्स हैं इनकी जर्मिनल एपिथीलियम ट्यूनिका एल्बोजी स्ट्रोमा इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनल एपिथीलियम जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो सिंपल एपिथीलियम होती है जो कि कवर होती है ओवरीज के सरफेस को कवर करती है जिसे हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं यानी कि हम लोगों ने बैक साइड में देखा जर्मिनल एपिथीलियम आउटर लेयर ही होती है जो कि ओवरीज के सर्फिस को कवर करती है जिसे हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं नेक्स्ट इज ट्यूनिका एल्बुजीनिया फ्रेंड्स जो ट्यूनिका एल्बुजनिया होती है वो डेंस यूरिगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है एंड जो जर्मिनल एपिथीलियम होते हैं इसके जस्ट बिलो यानी कि जस्ट नीचे की साइड पे ट्यूनिका एल्बुजनिया होती है नेक्स्ट इज स्ट्रोमा सो so, फ्रेंड्स जो इस्टोमा होती है बस सेंट्रल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं एंड नेक्स्ट इस ओवर फॉलिक्यूल ओवियन फालिक्यूल क्या होता है फ्रेंड्स जो ओवरेंट है वो प्राइमरी एंड इमेच्योर ओसाइट होता है जिसमें ओवरियन फॉलिक्यूल्स में मतलब कि जो ओवा होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है जिसे इमेच्योर ओसाइड कहते हैं इसके इमेच्योर ओसाइट की सराउंडिंग क्या होती है यापिथीलियम टिश्यूज़ होती हैं जिसे हम ओवेंट वालिक्यूल्स कहते हैं नेक्स्ट इज ग्राफियन फॉलिकल्स सो फ्रेंड्स ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है वो फ्लूड फिल्ड कैबिटी होती है एंड कंटेनिंग इमेच्योर ओसाइट्स जो कि जो भी इमेच्योर ओसाइट्स यानी कि यहाँ पे भी जो होते हैं वो ओवा यानी कि ओसाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं तो इमेच्योर ओसाइट्स होते हैं जिनको कंटेन करती है ग्राफियन फॉलिकल्स यानी कि इसके सराउंडिंग होती है एपिथीलम टिश्यूज जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स नेक्स्ट इज कार्पस सो फ्रेंड्स जो कारपस ल्यूटियम होता है वो भी ग्राफियन फॉलिकल्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम में ओवा जो होता है वो मैच्योर uh, हो जाता है मैच्योर मैचोरोसाइट्स ये मैच्योर ओवा कंसिस्ट करती है सो so, इसे ग्राफियन पॉलिक्यूल में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं नेक्स्ट इस इंटरस्टियल सेल्स फ्रेंड्स जो इंटरस्टिसियल सेल्स होती है वो ओवरी के स्ट्रोमा का एक पोर्शन होता है नेक्स्ट इज अब हम इसके बारे में जानेंगे ओवरीज के फंक्शंस के बारे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ओवरी ओवरीज प्रोड्यूस ओवा ओवरीज जो होती है वो ओवा या बोल सकते हैं फॉलिकल स्टमलेट या बोल फॉलिकल्स गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स ओवम ओसाइड्स एक्स इनको क्या करती हैं फीमेल ओवरीज जो होती हैं फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं नेक्स्ट इज़ ओवरीज जो होती हैं वो तो डिफरेंट टाइप के हारमोन्स को प्रोड्यूस करती हैं लाइक इनहेविन प्रोगेस्टोरान ऑस्ट्रोजोन एंड रिलैक्सिंग हारमोन को प्रोड्यूस करती हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो